让你停掉尾。हमने तो तुम्हें अपना दिलदार बनाया है, हमने तो तुम्हें अपना दिलदार बनाया है। तेरे ही लिए ये सुमन मंदिर को सजाया है, बस कमी आपकी शाम आ जाइए, बस कमी आपकी शाम आ जाइए, बस कमी आपकी शाम आ जाइए, बस कमी आपकी शाम आ
रुक्मिणी कन्हैया की प्रतीक्षा कर रही है। इधर दंतवक्र शिशुपाल जरासंध बड़े बड़े राजाओं के साथ बरात लेकर के आ गया। रुक्मिणी की बड़ी सुरक्षा की गई, महल से लेकर के मंदिर तक बड़े बड़े योद्धाओं को लगा दिया गया। और जब पूजन का समय हुआ तो रुक्मिणी अपनी सारी सखियों के साथ मंदिर में पूजन करने के लिए चली। सारे योद्धा जो इधर उधर खड़े थे, जैसे ही रुक्मिणी मैया को देखा, जितने योद्धा खड़े थे सब मूर्छित हो गए। जो देखे वो मूर्छित हो जाए, जो देखे वो मूर्छित हो जाए। अच्छा, क्यों न मूर्छित हो जाए? रुक्मिणी किसका अवतार है? रुक्मिणी है लक्ष्मी मैया का अवतार। तो लक्ष्मी को देख करके तो अच्छे अच्छे बेहोश हो जाते हैं प्यारे। योद्धा बेहोश हो गए तो कौन सी बड़ी बात। लक्ष्मी मैया मंदिर में पहुंची, पूजन किया, सारी सखियां उनके साथ, और पूजन करके लक्ष्मी मैया जैसी मंदिर से निकली, कन्हैया का रथ लगा हुआ था, कन्हैया ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और रुक्मिणी मैया को अपने रथ पे बिठा लिया। बोलो बांके बिहारी लाल की, रुक्मिणी मैया की, कृष्ण कन्हैया की जय हो। कन्हैया ने रुक्मिणी मैया को बिठा लिया अपने रथ पर, ले जाने लगा। और जब ये समाचार मिला शिशुपाल को, तो जरासंध दंतवक्र आदि राजाओं को सारी सेना को लेकर के कन्हैया के पीछे दौड़ पड़ा। कन्हैया आगे आगे पीछे ये सब राजा। तब तक बल दाऊ भैया को भी समाचार मिला, तो वो भी अपनी सेना लेकर के आ गए। युद्ध हुआ, सारे राजाओं को परास्त कर दिया और कन्हैया ने रुक्मिणी के भाई रुक्मी को बांध दिया रथ से। और जैसे ही मारने के लिए तैयार हुए, रुक्मिणी मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कन्हैया, ये हमारा भाई है और आपका साला है। अरे आप तो जीजाजी हो इसके भाई, आप इसे क्यों मारोगे? कहीं साले को मारा जाता है? आप जीजा हो? अच्छा, जीजा, जीजा का अर्थ जानते हो? कोई अर्थ नहीं जानता जीजा का। जीजा किसे कहते हैं मालूम? जीजा, जीजा, तू ही जीजा, हम तो मर ही जाएंगे देते देते। जिसका कभी पेट न भरे, चाहे कार से लेके हवाई जहाज तक दे दो, तो जीजा, तू ही जीजा, हम तो मर ही गए। तो रुक्मिणी मैया ने कहा, ये तो आप तो जीजा हो और ये आपका साला है, इसे मत मारो। शास्त्र में कहा गया है कि जो अपने हो उनका कभी किसी परिस्थिति में भी वध नहीं करना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। चाहे वो मारने योग्य ही काम क्यों न कर दे, लेकिन उनका वध नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र आज्ञा देता है। तो कन्हैया ने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम कहती हो तो नहीं मारेंगे। रुक्मिणी रुक्मिणी के कहने पर छोड़ दिया कन्हैया ने। तो रुक्मी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक हम अपनी बहन रुक्मिणी को कन्हैया से मुक्त करके नहीं लाएंगे। कन्हैया स्वयं बुलाने गया ब्रज में, सारे लोग फिर आए कन्हैया के विवाह में सम्मिलित होने के लिए। ब्रज की सारी गोपियां द्वारिका में आई और द्वारिका में आकर के सारी गोपियों ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर लिया, वही गोपी चंदन बन गया। गोपी चंदन बन गया। कन्हैया के साथ रुक्मिणी मैया का बहुत ही विधि पूर्वक विवाह हुआ। तत्पश्चात भगवान और रुक्मिणी मैया के विवाह होने के बाद भगवान ने यमुना के अंश से उत्पन्न कालिंद्री से विवाह किया। उज्जैन के राजा विंद और अनविंद की बहन मित्र विंदा से विवाह किया।
कौशल देश के राजा नग्नजित की पुत्री सत्या से विवाह किया। श्री कृष्ण की बुआ श्रुतिकूर्त की कन्या श्रुतिकीर्ति की कन्या भद्रा से विवाह किया। मद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा से विवाह किया। जामवंत की पुत्री जामवंती से विवाह किया। सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से विवाह किया। और अभी अभी जो कन्हैया का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, इस तरह कुल 8 विवाह कन्हैया के हुए। तत्पश्चात भौमासुर के यहाँ बंद 16,100 कन्याओं को कन्हैया ने भौमासुर का वध करके छोड़ाया। तो कन्याओं ने कहा, महाराज जिसे सब छोड़ देते हैं, जिसे सब छोड़ देते हैं उसे तू अपनाता है प्यारे। अब संसार में मुझे कोई नहीं अपनाएगा, इसलिए नाथ अब तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं दुनिया में है प्यारे। जिसे सब ठुकरा देते हैं उसका तू बन जाता है, अब तो तू ही मेरे लिए सब कुछ है प्यारे। कन्हैया ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कन्हैया ने उन 16,100 कन्याओं के साथ भी विवाह किया। इस तरह कन्हैया के कुल 16,108 विवाह हुए। लेकिन गर्ग संहिता में ऐसा आया है कि कन्हैया का विवाह राधा जी के साथ भी हुआ था। गर्ग संहिता में ये आता है कि कन्हैया का विवाह राधा जी के भी साथ हुआ था। अच्छा, ये इच्छा जो है कन्हैया ने अपनी मैया से प्रकट भी की थी। मैया से ही कहा था, मैया मेरो ब्याह कराए दे, मैया मेरो ब्याह कराए दे, मेहंदी हाथन में रचवाए दे, अपने प्यार की लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। मैया मेरो ब्याह कराए दे, मेहंदी हाथन में रचवाए दे, अपने प्यार की लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। ओ मेरी मैया लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की, हो मेरी मैया लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। हुई गैरी मैया कहत कहत में हारो, बहुत दिना हुए गैरी मैया कहत कहत में हारो, सब ग्वालन को ब्याह है गयो मैं रह गयो तुम्हारो, सब ग्वालन को ब्याह हो गयो मैं रह गयो कुमारो, बहुत दिना हुए गैरी मैया कहत कहत में हारो, सब ग्वालन को ब्याह है गयो मैं रे गयो तुम्हारो, सब ग्वालन को ब्याह हो गयो मैं रह गयो तुम्हारो। नथ भाई सोने की गड़बैयो ना डलवैयो ना लैयो, चीज उधार की लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की। ओ मेरी मैया लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की, ओ मेरी मैया लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की। Thank you.
ओ मेरी मैया होए बरसाने बारी, ऐसी दुल्हन लियो मेरी मैया होए बरसाने वाली, ऐसी दुल्हन लियो मेरी मैया होए बरसाने वाली। राधा नाम होए मेरी मैया श्री ब्रखभान दुलारी, राधा नाम होए मेरी मैया श्री ब्रखभान दुलारी। ऐसी दुल्हन लियो मेरी मैया होए बरसाने वाली, ऐसी दुल्हन लियो मेरी मैया होए बरसाने वाली। राधा नाम होए मेरी मैया, राधा नाम होए मेरी मैया, राधा नाम होए मेरी मैया श्री ब्रखभान दुलारी। राधा नाम होए मेरी मैया श्री ब्रखभान दुलारी। मैया सब कोई करे बढ़ाई, मैया सब कोई करे बढ़ाई, ऐसी सुघर दुल्हनिया आई तेरे मुरार की, लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की। ओ मेरी मैया लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की, ओ मेरी मैया लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की। मैया मेरो ब्याह कराए दे, मैया मेरो ब्याह कराए दे, मेहंदी हाथन में रचवाए दे अपने प्यार की, लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की। ओ मेरी मैया लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की, ओ मेरी मैया लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की। मेरो ब्याह कराए दे, मेहंदी हाथन में रचवाए दे अपने प्यार की, लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की। ओ मेरी मैया लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की, ओ मेरी मैया लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की। जय जय श्री राम। एक दिन रुक्मिणी को भी अहंकार हो गया, कि हमसे सुंदर कोई नहीं है, भगवान ने इसीलिए हमारा वरण किया है। तो कन्हैया ने कहा, रुक्मिणी जी तुम अद्वितीय सुंदर हो और हम गमार ग्वाल हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा अगर है तो तुम किसी राजा से विवाह कर लो, हमें तो इस स्वर्णमयी द्वारिका और तुम्हारी सुंदरता से कोई लगाव नहीं है। और जब रुक्मिणी ने ऐसा सुना तो रुक्मिणी मूर्छित हो गई। कन्हैया ने संभाला, क्योंकि कन्हैया ने कह दिया था कि हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं है, तुम अद्वितीय सुंदर हो, हम गमार ग्वाल, इसलिए कोई बात नहीं, तुम किसी राजा से विवाह कर लो। अरे हम तो स्वर्णमयी द्वारिका तक से हमारा कोई लगाव नहीं, कोई आसक्ति नहीं है। रुक्मिणी मैया बेहोश हुई, कन्हैया ने संभाला,
तो जब होश आया तो रुक्मिणी मैया ने कहा, कन्हैया तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं है, कोई मेल नहीं है। क्यों? इसलिए मेल नहीं है कि मूर्ख तो हमें भजते हैं और ज्ञानी जन आपको भजते हैं, इसलिए हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं है, कोई मेल नहीं है। हमें तो मूर्ख भजते हैं और ज्ञानी आपको भजते हैं, इसलिए हमारा कोई मेल नहीं। प्रभु आज से हम रानी नहीं, आज से हम दासी बनकर रहेंगे। ये अहंकार रुक्मिणी को नहीं, ये घर घर में अहंकार भरा पड़ा है। ये ईगो, ईगो नहीं, मैं ठीक कह रहा हूं, मैं पति इसलिए सुनने को तैयार नहीं है कि तुम पत्नी हो। हम जो कुछ भी कहें, क्यों हम पति हैं, हम गलत भी कहें तो सही है क्योंकि हम पति हैं, और तुम सही भी कहो तो गलत क्योंकि तुम पत्नी हो। लड़ाई झगड़ा इसी बात पर है, विवाद इसी बात पर है। यदि एक दूसरे की सही बात को दोनों मान लें तो जीवन में आनंद हो जाए, परमानंद हो जाए। मानने को कहां त्याग, दबाने के चक्कर में, एक दूसरे को झुकाने के चक्कर में लगे हुए। एक पति ने अपने मित्र से कहा, आज हमने अपनी पत्नी को घुटनों के बल कर दिया। घुटनों के बल कैसे, कैसे क्या? बोले वो हमें मारने के लिए दौड़ी, हम बेड के नीचे घुस गए, अब डंडे से हमें निकालेगी, बाहर आओ तब देखें। दबाना नहीं, विचारों को, विचारों से, विचारों, जिसका विचार सही हो वही सही है। हम पति हैं इसलिए हम सही हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि जीवन के रथ के ये दोनों बराबर के पहिए हैं। मैं बार बार बताता हूं कि ये जीवन के रथ के दोनों बराबर पहिए हैं, एक भी छोटा हुआ तो गाड़ी पलट जाएगी, चल नहीं सकती, चल नहीं सकती। इसलिए दोनों बराबर हैं, दोनों का बराबर सम्मान है, दोनों का बराबर महत्व है। अब श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित जी, बाणासुर एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, उसकी पुत्री उषा ने, जो कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, उनके जो पुत्र थे अनिरुद्ध, उनको स्वप्न में देख लिया। उसकी सहेली चित्रलेखा ने उससे पूछा, तुम किसकी याद में खोई रहती हो? तो उसने अपनी सारी बात चित्रलेखा को बताई, और चित्रलेखा हर तरह का चित्र बना दिया करती थी, तो वो चित्र बनाती गई, वो बताती गई, वो बनाती गई। अंत में प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का जब चित्र आया, वैसे ही वो शर्मा गई, नीचे नजर कर ली, चित्रलेखा समझ गई। चित्रलेखा ने नारद जी की सहायता से अनिरुद्ध को हर लिया और उषा अनिरुद्ध के साथ रहने लगी। जब ये बात बाणासुर को पता लगी तो उसने अनिरुद्ध को पकड़ करके और कारागृह में डलवा दिया। जब ये समाचार कन्हैया को मिला तो बलदाऊ भैया भगवान के साथ, कन्हैया के साथ गए, युद्ध हुआ और बाणासुर की भुजाओं को काट कर भगवान शिव के कहने पर उसे छोड़ दिया, और जो केवल चार भुजाओं वाला उसे बना दिया, और भगवान शिव के गण होने का कन्हैया ने वरदान दे दिया। उसके बाद कन्हैया उषा और अनिरुद्ध के साथ द्वारिका आए। तत्पश्चात श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित जी महाराज, एक राजा नृग हुए हैं जिन्होंने बड़े अच्छे कृत्य किए, किंतु एक बार ब्राह्मण को दान की गई गाय को दोबारा दान कर दिया, इसलिए वो गिरगिट बन गए। कभी भी दान किए हुए धन को अपने उपयोग में लाना नहीं चाहिए। एक बार जो धन दान कर दिया उसको कभी किसी भी रूप में न लगाया जाए, जिसके लिए दान किया है उसी को दिया जाए, ये कथा बताती है। अब श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित जी महाराज, अब हम तुम्हें कृष्ण के परम सखा की कथा सुनाने जा रहे हैं। कृष्ण श्याशीद सखा कश्य ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम
विरक्त इंद्रियार्थेशो प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुखदेव जी भगवान दो बार समाधिस्थ हुए हैं। एक बार तो जब ब्रह्मा जी को भगवान ने गोप बालकों और गाय बछड़ों का रूप बनाकर अपनी माया का दर्शन कराया था, उस समय श्री सुखदेव जी भगवान समाधिस्थ हुए। और दूसरी बार जब श्री सुखदेव जी भगवान सुदामा चरित्र कहने चले, उस समय समाधिस्थ हुए। तो ऋषियों ने उन्हें वेद मंत्रोच्चार करके जागृत किया, सचेत किया। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित जी महाराज, भगवान के परम सखा सुदामा बहुत ही जितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, प्रशांत आत्मा, बहुत उदार, विशाल हृदय के, विरक्त, सारी विषयों से विरक्त थी, सारे जगत के प्रपंच से विरक्त थे तो निर्धन लेकिन परम संतोषी थी। जिसके अंदर संतोष नहीं है प्यारे, वो धनवान होकर के भी निर्धन है, निर्धन है, कंगाल है, भूखा है, प्यासा है। स्वामी रामतीर्थ हुए हैं हमारे देश के बहुत बड़े संत, तो अमेरिका में पहुंचे तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने उससे पूछा, महाराज इस समय पूरे विश्व में सबसे बड़ा महाराज कौन सा है, सबसे बड़ा राजा कौन सा है, सबसे बड़ा बादशाह कौन सा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसलिए पूछा कि ये हम ही बता देंगे। तो श्री रामतीर्थ जी महाराज ने कहा, सही बताएं? बोले हाँ महाराज, इसलिए तो पूछा, आप सही बताओ। स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा, सबसे बड़ा बादशाह मैं हूं। तो उसने कहा, महाराज आपके पास तो एक जोड़ी वस्त्रों के अलावा, एक जोड़ी एक चरण पादुकाओं के अलावा तो कुछ है नहीं, आप सबसे बड़े बादशाह कैसे? स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा, बादशाह है कौन ये तुम जानते हो? कौन है महाराज? स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा कि चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवा जाको कुछ नहीं चाहिए, सोई साहंसा, सोई साहंसा। अरे जो धन के पीछे भागता है वो धन का गुलाम, जो पद के पीछे भागता है वो पद का गुलाम, जो परिवार के पीछे भागता है वो परिवार का गुलाम, ये तो सब गुलाम हैं। जिसके पीछे भागो, पीछे भागने वाला गुलाम ही होता है, बोलो। तो जो जिसके पीछे दौड़ता है वो तो उसका गुलाम हुआ, उसका दास हुआ। और जिसको कोई चिंता नहीं, जिसकी कोई इच्छा नहीं, जो स्वयं का मालिक है, वही सबसे बड़ा बादशाह है, और कोई बादशाह नहीं, सब दास है। इसलिए सुदामा परम संतोषी थे, और जो संतोषी सदा सुखी, सदैव प्रसन्न रहते थे, बहुत निर्धन थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि घर में कुछ बनता नहीं था, दो दो दिन हो जाते थे, लेकिन जब भी ऐसा होता था तो जो उसकी पत्नी थी सुदामा जी की, जिनका नाम सुशीला था, जैसा नाम था और वैसा ही सुशीला का गुण था। सुशीला ने कभी भी अपने पति को परेशान नहीं किया, कभी भी सुदामा से ये नहीं कहा कि पति हम भूखी लेटी हैं, क्या कर रहे हो, कुछ व्यवस्था नहीं आपने की। अरे जब भूख लगती थी सुशीला को, और भूख से जब तड़पने लगती थी, और एक दाना अन्न का भी जब घर में नहीं होता था, तो सुशीला सुदामा से भगवान की कथा को सुनाने के लिए कहती थी, और सुशीला भगवान की कथा को सुनते सुनते ही सो जाया करती थी, सो जाया। लेकिन कभी सुदामा से ये नहीं कहा कि किसी के आगे हाथ फैला। आज तो अगर कुछ भी घर में खत्म हो जाए तो नरक कर देते हैं। तुमसे तीन दिन से कहा ये चीज खत्म हो गई, तुम लाके नहीं रखते हो,
भोजन भी अच्छा बन जाए, कुछ लाओगे भी नहीं है, हम कहां से बना ले, जाने क्या क्या किस किस इसी बात से। और अब तो कुछ सीमा ही नहीं है। अरे अब तो वस्तुओं की छोड़ो, अब तो अगर कहीं विवाह भी है ना तो केवल बालों की सजावट में कितने रुपए लगते हैं। अब तो बेचारा मरा जा रहा, कहां से उसे नींद आए, पहली तारीख नहीं मिलती है उसे, आधा पैसा तो बालों के रंगने में ही और डिजाइन कराने में ही खर्च हो जाता, खाए क्या बेचारा, बोलो। अच्छा एक बात आपने देखी, आजकल कोई खराब लग रहा है, अंदर से तो कितने भी हो सकते हैं लेकिन बाहर से केवल एक घंटे की बात है, अंदर गई और बाहर निकली तो आप पहचान नहीं सकते। एक बेटी का विवाह हो रहा था, विवाह होकर के उसकी विदा होने वाली थी, तो विदा की भी तैयारी हो गई, बेटी को उसमें बिठाला गया कार में, तो बेटी ने रोना थोड़ा प्रारंभ किया, मां खड़ी थी पास में, तो मां चिल्लाने लगी, यह क्या करती है, ये क्या करती है, तेरा सारा मेकअप धुल जाएगा, ये क्या करती है, तेरा सारा मेकअप धुल जाएगा, रूप का सारा भेद खुल जाएगा, ये क्या करती है, तेरा सारा मेकअप धुल जाएगा, रूप का सारा भेद खुल जाएगा। अरे तू तो पगली है, तेरी अकल कहां सोती है, तू तो पगली है, तेरी अकल कहां सोती है, रोएगा तेरा पति, तू क्यों रोती है, अब तो ये रोएंगे, तुम क्यों रो रही हो। इस भोगवादी संस्कृति ने सब कुछ नष्ट करके रख दिया प्यार, सब कुछ। पत्नी, धर्म पत्नी वो है जो पति को धर्म से जोड़ दे, परमात्मा से जोड़ दे। प्रेम क्या है, प्रेम में कह रहा हूं बार बार, प्रेम में कोई डिमांड नहीं होती है, प्रेम का संबंध तो आत्मा से होता है, क्या हम क्या दे दें, क्या कर दें अपने प्रेमी के साथ जो ये प्रसन्न रहे, ये प्रेम की परिभाषा है। हम प्रसन्न रहे ये परिभाषा नहीं है, वो उल्टा रहा है, उल्टा हो रहा है। हमारा प्रेमी, हमारा नायक, वो कैसे प्रसन्न रहे, एक दूसरे को यही होना चाहिए, दोनों को ये सोचना चाहिए कि दूसरा कैसे सुखी रहे, दूसरा कैसे प्रसन्न रहे, हम क्या करें कि वो प्रसन्न रहे, यही प्रेम की परिभाषा है प्यारे। वो उल्टा रहा है। सुशीला ने कभी सुदामा से नहीं कहा कि नाथ हम तीन तीन दिन हो जाते हैं भूखो लेटी रहती है, भूखी सो जाती है, आप कुछ करो, कभी नहीं कहा। लेकिन मैं कहता हूं ना, पत्नी का बड़ा महत्व होता है, बड़ा एक रोल होता है महाराज जीवन में, उसे लक्ष्मी कहा गया, ग्रह लक्ष्मी उसका एक नाम है। अगर वो चाहे तो परिवार को स्वर्ग बना दे, अगर वो चाहे तो नर्क से भी बदतर बना दे, ये उसके हाथ में है, ध्यान रखना। इसलिए कभी ऐसा मत करना, पति पर ऐसी डिमांड मत करना जो पति को बेचारे को मजबूर होकर के एक साठ का टपनाना पड़े, गलत काम करना पड़े, बेईमानी करनी। एक ऐसी पत्नी थी ऐसी, रोज ये पति से कहा करती थी, बेचारा पति दूध का काम करता था, ईमानदारी से दूध बेचता था, ज्यादा पानी यानी नहीं मिलाता था, ईमानदारी से काम करता था, तो रोज उससे ताने देती थी, देखो तुमने हमारे साथ किया ही क्या, हमारे पिताजी की बुद्धि खराब हो गई थी जो तुम्हारे साथ विवाह कर दिया, हमारा तो जीवन नरक कर दिया, देखो पड़ोसी कितना अच्छा नेकलेस बनवा के लाई है, तुमने आज तक हमारे लिए नथ तक बनवा के दी, कुछ किया हमारे साथ। बेचारा सुन सुन के बड़ा परेशान रहता, करता क्या, जब हड़ गया तो बेईमानी करने लगा, दूध में पानी मिलाने लगा, क्या करता,
दूध में पानी मिला 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 माला करके जो बचाया उससे पत्नी को एक नथ बनवा दी, बड़ी सुंदर नथ बनवा के लाया। पत्नी ने पहनी, बोले कैसी लग रही? बहुत अच्छी लग रही। अच्छा, आदत होती है कुछ देवियों की कि जब तक वो चीज अपनी दिखा नहीं देंगी 10-20 लोगों को तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ सकता। तो जब नथ नहीं पहनी तो सोचा चलो दिखा, कैसे दिखे। तो दूसरे दिन पूर्णमासी थी तो बोले चलो गंगा स्नान करते हैं तो सब लोग देख लेंगे। तो पति को साथ लेकर के गंगा स्नान गई। गंगा तट पर पहुंची, पति ने कहा स्नान कर लो, बाद में हम कर लेते हैं। तो पत्नी अंदर घुसी और गंगा जी में जैसे डुबकी लगाई महाराज, और डुबकी लगाने के बाद जैसे निकली तो नथ गायब, नथ गायब और नाक से खून निकले। अब बोली नथ 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 का। तो पति खड़ा था, पति ने कहा पानी का पैसा पानी में, पानी का पैसा पानी में। तो फिर बोली नाक खून निकल रहा, ये मछली ने काट ली थी। तो बोले बोली नाक। तो पति ने कहा पानी का पैसा पानी में और नाक गई बेईमानी में, नाक बेईमानी में चली गई। इसलिए कभी भी पति को ऐसा मत करना कि उसे मजबूर होके बेईमानी करना पड़े, बेईमानी का रास्ता पकड़ना पड़े। प्यारे सुशीला के जब कुछ नहीं बनता था तो सो जाती थी ऐसी भूखी, लेकिन कभी कुछ कहती नहीं थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचा, बच्चे तड़पने लगे भूख से, तब सुशीला को नहीं देखा गया और सुदामा से बोली नाथ जब हम आपसे कथा सुना करते थे तो आप ही हमें बताया करते थे कि कन्हैया हमारा मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, सखा है हमारा। तो इसलिए नाथ जब तीनों लोगों का ठाकुर आपका मित्र है तो एक बार उसके दरबार में चले जाइए, हम अपने लिए नहीं आपके लिए नहीं इन पुत्रों के लिए जो बिलख रहे हैं भूख से प्यारे। और फिर मैं संसार के पास नहीं भेज रही हूँ, तीनों लोगों के ठाकुर के पास भेज रही हूँ जिसकी चौखट पर सब कोई सर झुकाता है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया।